तेनू सजदी बड़ी वाली वाली तेनू सजदी बड़ी वाली चालीस साल तू कह दम फिर चालीस साल तू कह दम फिर चल सजना वाली कमीज तेरी काली निशोने फुलवाली निभावे वसे तू वलैत अच्छा करनी नहीं रैत निभावे वसे तू वलैत अच्छा करनी नहीं रैत कमीज तेरी कमीज तेरी काली सोने फुलावाली कमीज तेरी काली सोने फुलावाली आमे वसे तू वाले ते असा करनी रे आमे वसे तू वाले असा करनी रे मैनू लेख जनाए मियां वाली कमीज तेरी काली सोने फुलवाली जुल्फा छले काले काले छले जुल्फा छले काले काले छले सांवल और लाला जी इकट्ठे एक डुएट गाएंगे साथ में दो भी हो सकते हैं और उसके बाद कमीज तेरी काली सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर लाला ताऊला इस खेल में मोहतरम खवातीनों हज़रात अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं एहसानमंद हूँ अलहमरा की आर्ट्स काउंसिल ख़ास तौर पर ज़ुल्फ़िकार ज़ुल्फ़ी साहब का और मोहम्मद अली बलोच साहब का कि उन्होंने सांवल को इस स्टेज तक पहुँचाने में मेरा बहुत साथ दिया। सब मीडिया से मैं दस्त बस्ता उनका शुक्रगुजार हूँ, इलेक्ट्रॉनिक भी और प्रिंट मीडिया भी। जिस जिन जिन लोगों ने इस एल्बम इस वीडियो को आप तक पहुँचाया उनका नाम न लेना भी मैं गुनाह समझता हूँ। समी खान, जाहिद और फिदा, वसीम वट्टू, इन सब लोगों ने इस वीडियो पे जो आपने देखी आपके गोश गुजार की गई उस पे मेहनत की और उस आज आपने जो देखा और ये जो आज सारा कुछ सजाया है इमरान हाजात साहब ने, मैं उनका भी एहसानमंद हूँ। और फिर सबसे ज़्यादा अताउल हक कासमी साहब, अजमल न्याजी साहब, तौफीक भट्ट साहब, शौकत अली साहब, तारिक अजीज़ साहब, इरफान खोसट साहब, आरिफ लोहार साहब, अली अब्बास साहिब, अमानुल्ला साहिब, आसिफ अली पोता साहिब, रफाकत अली खान साहिब का भी एहसानमंद हूँ। रियाज खान और शमसा हैदर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पे मैं नूरुल हसन और फरजाना हादी का भी एहसानमंद हूँ कि इन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाकर मेरे प्रोग्राम को कामयाब बनाया, मेरी इज्जत में इजाफा किया। मैं इनके लिए दुआ गो हूँ। सांवल यहाँ स्टेज पर आपने देखा ये यहाँ तक किस तरह पहुँचा ये तो ये ज़्यादा बेहतर जानता और ज़्यादा बेहतर बता सकता है। लेकिन आज से 45 साल पहले जब मैं लाहौर में एंटर हुआ था
तो इसी तरह की एक चादर, एक जोड़ा कपड़ों का, और मेरे हवाई चप्पल थे मेरे पाँव में, और वहाँ से मैंने सफ़र का आगाज़ किया था। रातें फुटपाथ पे गुजारें, भूख से बिल बिला के भी गुजारें। ये आपकी मोहब्बत, ये आपकी मोहब्बत आज से 32 साल पहले अलहमरा में मैंने शो किया और आपने मुझे बेपनाह इज़्ज़त दी, मुझे स्टार बना दिया, मुझे ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया। और अभी पिछले 2 महीने मैंने अलहमरा में शो किया तो वही इज़्ज़तें, वही मोहब्बतें मेरे हिस्से में आईं। मैं आप सबका फ़र्दन फ़र्दन एहसान मंद हूँ, और एहसान मंद हूँ अपने अल्लाह जल्ले शानहू का। और मैं जितना भी शुक्र अदा करूं अपने अल्लाह जल्ले शानहू का कि उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इतनी खूबसूरत औलाद दी, इतना कुछ दिया कि मैं 10 जन्मों में भी उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। और आप सबका एक इस गर्मी में बैठना मेरे लिए हासिल अज़ीज़त है। अल्लाह ताला आपको इसका नेक अजर दे और बिजली दे आपको, आपके मुल्क को, मैं दुआ कर सकता हूँ। जी मैं 2 गुजारिशात थी, एक तो ये कि सब लोग बैठे हैं तो ये पूछना चाहते हैं कि मोहब्बतें समेटने का तरीका क्या है, आप तो इतनी है आपके पास। अनीस आसान नहीं करना, अनीस आसान नहीं आबाद करना घर मोहब्बत का, ये उनका काम है जो जिंदगी बर्बाद करते हैं। क्या बात है, अमेजिंग। अल्लाह न करे तुम उन परेशानियों से गुजरो जिनसे मैं गुजरा हूँ। तुम मुझे बहुत अजीज़ हो और अपनी अजीज़ चीज़ को कोई धूप में नहीं छोड़ता। बिल्कुल ठीक, अजीज़ तो बिल्कुल आपकी मोहब्बत है। सावल को मोहब्बत नहीं हुई अभी तक, क्या खबरें आपके पास इस हवाले से? ये मेरा दोस्त भी है लेकिन मुझे बताता नहीं है। सावल अब तुम्हें फ़ौरन बता देना चाहिए कि व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड दिस मेलोडियस वॉइस। ये आपका काम है, आपने माइक ही बंद करवा दिया। अच्छा, मेरे वाला दे लो। मोहब्बत मुझे हुई है, ठीक है, और मेरे मुझे इस खूबसूरत इंसान से मोहब्बत हुई है, और मेरी बात सावल, मेरी खूबसूरत माँ, खूबसूरत बहन, खूबसूरत भाई, मेरे बेटे उमर शरीफ साहब होते तो उन्होंने कहता बेटा घर से निकलो, जरा घर के बाहर की कोई बात बताओ। वो तो ठीक है, ये तो है, इस मोहब्बत को तो अल्लाह कायम दायम रखे। जिस दिन निकला तो उस दिन एक और तकरीब रख के इसी तरह सजा के आपको बोला, और तेरा पला हो जाए। बस ठीक है, एक तकरीब। जिंदाबाद जिंदाबाद। अलहमरा के इस स्टेज पे अब आपके सामने लाइव लाला अताउल्लाह ईसा खेलवी और सावल एक साथ परफॉर्म करेंगे। आपकी बहुत सारी तालियों में।